सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टर बैटरी के बारे में, मतलब लुमिनस सेटअप के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लुमिनस का इन्वर्टर, लुमिनस की बैटरी, उसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही पता करने वाले हैं कि इसके प्राइसिंग, वारंटी और बैकअप कितना देगी। जैसे लुमिनस में 150 की बैटरी है और इन्वर्टर का मॉडल नंबर क्या है वो हम जान लेंगे। साथ ही ये दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी खरीदना होगा, कितना बैकअप मिलने वाला है। साथ ही हम बात करने वाले हैं एक्साइट की किंग बैटरी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्साइट की ये बैटरी है, और साथ ही माइक्रोपेक का इन्वर्टर। अगर आप एक्साइट की बैटरी खरीदते तो साथ ही लुमिनस या फिर माइक्रोपेक का इन्वर्टर आप खरीद सकते हैं, इसके बारे में जब हम जानने वाले। तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्साइट की बैटरी और माइक्रोटेक का जो इन्वर्टर, उसके बारे में जानेंगे, उसके मॉडल्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक्साइट बैटरी के बारे में जानते हैं, उसका मॉडल नंबर की बात करेंगे। तो एक्साइट किग्वा किंग IKST 1350 इसका मॉडल नंबर है। और बात करेंगे वारंटी की, 242 महीना इसकी वारंटी आपको मिलती है। कम प्राइसिंग में भी आती है, प्राइसिंग में आपको बता देंगे 21+21, मतलब 21 महीने में कुछ भी हो गया तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट आपको मिलता है। साथ ही उसके बाद के जो 21 महीने बचे उसमें आपको प्रो डाटा मिलता है, वो MRP पे डिस्काउंट होता है। 21 महीने की गारंटी, 21 महीने की वारंटी, वारंटी भी गारंटी में कुछ भी हो गया पहले 21 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट है। वैसे बैटरी में कुछ होता नहीं है और कुछ इश्यू आया तो 1800-1035 नंबर पर कॉल करेंगे, कंपनी के टेक्नीशियन आपके घर में आ जाएंगे, आपको लोकेशन, बिल नंबर, बैटरी का सीरियल नंबर बताना है, आपके घर में आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट विजिट देंगे, बैटरी में क्या इश्यू है तो सब कुछ आपको बता देंगे। अभी बात करेंगे प्राइसिंग की, तो ट्यूबुलर की बैटरी है, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं, ट्यूबुलर फ्लैटनेट, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरी है, शॉर्ट कंटेनर में आपको देखने को मिलेगी, 135 एम्पीयर की बैटरी है। और बैटरी की MRP की बात करेंगे, 11,000 की MRP है, पर MRP में ना मिलते हुए आपको डिस्काउंट के साथ में ये मिलेगी 8,500 रुपये तक के मिलेंगी। एक्सपेक्टेड प्राइसेस है, थोड़े कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर याद रखिए 8,500 की ये बैटरी आपको मिलती है। और सेम एयर सेम साइज की अगर आपके पास में बैटरी होगी 135 की, सो उसके 2,500-3,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो ये आपको आ सकते हैं 5,500 से 5,800 के बीच में आपको आ सकते हैं रिप्लेस करके। न्यू बैटरी खरीदते हैं तो 8,500 के हिसाब से आपको आने वाली है। बात करते हैं इन्वर्टर की, जिसके सामने हमने ये बैटरी के साथ में जो इन्वर्टर रखा है उसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रोटेक UPS EP 700 VA UPS इन्वर्टर ये है, और MRP इसकी 6,000 रुपये तक के आएंगे। MRP बिना मिलते हुए प्राइसिंग की बात करेंगे, 3,500 से 4,000 के बीच में आपको ये आ सकते हैं 24 महीने वारंटी के साथ में। बैटरी मतलब इन्वर्टर को भी कुछ भी हो गया है, सो जो कंपनी के बंदे हैं वो आपके घर में आके चेक करके जाते हैं। टोल फ्री नंबर आपको यहाँ पे मिलता है, जब आप खरीदेंगे तो उसके साथ में टोल फ्री नंबर आपको मिलता है माइक्रोटेक का। टेक्नीशियन घर पे आके विजिट देके जाते हैं, सब कुछ क्या हुआ है वो देखते हैं, इश्यू सॉर्ट आउट करके देते हैं। माइक्रोटेक डिजिटल EB सीरीज के जो मॉडल्स है वो हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स है, और इसमें आपको रेंज सिलेक्शन स्विच मिलती है जो हायर कैपेसिटी के हिसाब से आप स्टैंडर्ड वोल्टेज के हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको इसमें देखने को मिल सकता है बैटरी स्टेट मॉनिटरिंग, मल्टी स्टेट बैटरी चार्जर, उसके बाद में इसमें आपको मेंस ऑन दिखता है, UPS ऑन, चार्जिंग ओवर लोड, बैटरी लोड, फॉल्टी इंडिकेशन, ये सब कुछ आपको पैनल पे देखने को मिलते हैं। तो डिजिटल EB 700 ये स्क्वेयर वेव का इन्वर्टर है और 600 VA का इन्वर्टर है, और आप इस पे लोड दे सकते हैं 500-550 तक के लोड दे सकते हैं। 135 की बैटरी है, अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना देर तक बैकअप आपको ये देने वाली है। सो जैसे समझ लीजिए आपके घर में 2 ट्यूबलाइट, 4 फैन, 1 PC, 3 CFL है, और 600 का आपने जो इन्वर्टर लगाया है उस पर आपको 2 से 3 घंटा बैकअप देंगी। जो 550-600 का आपने बैटरी दिया है उस पर 4 फैन, 1 PC, 3 CFL, 2 ट्यूबलाइट। अभी उसके बाद में 5 ट्यूबलाइट, 7 फैन, 1 PC, 7 CFL, थोड़ा ज्यादा लोड अगर आप देते हैं सो ये आपको आधा से 1 घंटे तक के चल सकती है। जितना ज्यादा लोड आप देंगे उतना कम चलेगा, जितना कम लोड देंगे उतना ज्यादा बैकअप आपको मिलेगा। अभी बात करेंगे लुमिनस के इन्वर्टर बैटरी के बारे में, तो उसका मॉडल नंबर की बात करते हैं, तो इसका मॉडल नंबर आपको देखने को मिलेगा लुमिनस इकोवोल्ट 1050 साइन वेव का ये इन्वर्टर है, घर के लिए ऑफिस के लिए यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 8,000 रुपये इसके MRP आपको देखने को मिल सकती है, और MRP पे ना मिलते हुए 4,500 रुपये तक के आपको ये खरीदी प्राइस आपको मिलने वाली है 1050। सो नीवो इको वोल्ट पे आप अच्छा खासा लोड दे सकते हैं, मतलब 700-750-800 वाट तक आप लोड दे सकते हैं। और इस पे हमने लुमिनस की बैटरी कनेक्ट करी है तो उसका भी प्राइसिंग हम देख लेते हैं। रेट चार्ज 1800 ST, 150 एच की बैटरी है, ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी की बैटरी है, 14,000 MRP, 14,500 पर MRP बिना मिलते हुए आपको ये 11,000-12,000 में आपको आ जाएंगी।
सेम साइजेस की बैटरी होंगी तो 250 रुपये माइनस कर लीजिए तो यही आपको 9.5-9.5 से बीच में आपको आ जाएगी। तो इस तरीके का इसका सेटअप है। और इसकी भी बात करेंगे तो जैसे हमने कैलकुलेशन आपको बताया है, जैसे इसमें 800-900 वी का आप लोड दे सकते हैं, मतलब वेटेज का, तो वो हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे और अच्छा खासा लोड देंगे आप अपने घर के हिसाब से 150 की बैटरी के हिसाब से, तो ये आपका 3-3.5 घंटा चलने वाली है, मतलब 3 फैन 3 CFL 2 ट्यूबलाइट 1 TV, तो ये लोड देते हैं आप तो ये कंटिन्यूसली 2.5-3 घंटा चलता है। कम लोड देंगे और जैसे 200 वाट हो गया, आपने 450 वाट दे दिया लोड, तो ये 3-4 घंटा भी चल सकती है। तो जितना कम लोड देंगे उतना ज्यादा चलेगा, जितना ज्यादा लोड देंगे उतना कम लोड देंगे, कम लोड चलेगा, ये आपको कैलकुलेशन दिमाग में रख के चलना है। जैसे घर में आप चीजें यूज करते हैं, टीवी लाइट्स बल्ब वगैरह, तो जैसे टीवी बंद है तो वैसे ही आपका लोड कम हो जाता है। जितने कम आप अप्लायंसेस यूज करेंगे, जो काम के अप्लायंसेस है वही यूज कीजिए, वो हिसाब से आपको लोड ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा देर तक आपको बैकअप मिलेगा। सो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों सेटअप के बारे में। एक साइड के साथ में हमने माइक्रोडेक का इन्वर्टर लगाया है और लुमिनस के साथ में हमने लुमिनस की बैटरी लगाई है। सो ये दोनों का सेटअप हो गया। इसकी प्राइसिंग में आपको आपको बता दी, और कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई होप हमने जो बातें आपको बताने की कोशिश करें आप समझ गए होंगे। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।